दोस्तों मैं हूँ डिफेन गोगोई टेक्निकल एनालिस्ट, और आज हम बात करेंगे, ये थोड़ा दूसरा वीडियो है जो आप लोग रोज ट्रेडिंग एंट्री और एग्जिस कहाँ होता है उसका ऊपर मैं वीडियो बनाता, लेकिन आज मैं डिस्कस करूँगा मेरा जो खुद का पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप है वो कैसे मैं मेंटेन करता और मैं कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कैसे किया था लास्ट नवंबर मंथ में, मैं कहाँ कहाँ एंट्री किया था और क्यों किया, और मेरा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है उसका ऊपर मैं डिटेल्स आपको लाइव दिखाऊंगा उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने कहाँ एंट्री किया था, कहाँ क्या क्या किया था, तो उसमें मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स मुझे पूछता रहता है आपका थोड़ा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दिखाइए, आपका ट्रेडिंग कैसे पोर्टफोलियो मेंटेन करता है, कैसे कहाँ पे एंट्री का एंट्री कहाँ होता है, तो आपका स्ट्रेटेजी क्या है, तो मैं पूरा डिटेल्स मेरा चार्ट दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपसे, मेरा ये चार्ट है तो यहाँ पे मैं दिखाऊँ, मेरा ये लास्ट, ये आप देख सकते हैं नवंबर मंथ है, राइट। नवंबर मंथ में कहाँ कहाँ पे एंट्री हुआ था मार्केट में क्या है, तो इसको मैं पहले बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है, मैं एवरी मंथ आई फॉलो दिस चार्ट, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं नवंबर 1 तारीख को मैंने बाय एंट्री किया था, ठीक है। पहले मैं इसको बता दूँ, पहले ये एंट्री डेट है कहाँ पे एंट्री किया किया जाता है, नेक्स्ट डायरेक्शन कहाँ पे मैंने बाय किया और सेल किया उसका ऊपर लिखता रहता हूँ, क्या सेल किया मैंने, क्या बाय किया, और इसमें कौन सा स्टॉक्स हो या सिंबल क्या है, ठीक है। तो इसमें आप, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ये लिया मैंने स्टॉक्स का, और दूसरा भी है मेरा ये MCX का, उसका भी मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में अगर हो सके तो मैं दिखाऊंगा MCX में क्रूड जिंक लीड कहाँ पे एंट्री किया था। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा स्टॉक्स बैंक निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड किया था। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट कॉलोन है स्ट्रेटेजी, मैं कौन सा स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ आपको चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं एटलीस्ट 2 या 3 स्ट्रेटेजी लेना चाहिए। तो मैं, मेरा जो खुद का स्ट्रेटेजी है उसका ऊपर हम, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले तो एंट्री किया था यहाँ पे, ये एंट्री प्राइस कहाँ पे मैं एंट्री किया था, SL कहाँ डाला था मैं, R1 क्या है उसका ऊपर मैं बताऊंगा आपको, रिस्क कितना लिया था मैंने, R1 और R2 क्या था, मतलब कितना मेरा प्रॉफिट टारगेट था, और ये टारगेट क्या है, कितना टारगेट था ये लिख के रखता हूँ मैं, और एग्जिट पॉइंट कहाँ कहाँ पे एग्जिट, जहाँ पे टारगेट था वहाँ पे मैंने एग्जिट किया या पहले किया या बाद में किया उसका ऊपर मैं लिखता हूँ, और आर मल्टीपल मतलब आपने कितना प्रॉफिट लिया, आर क्या होता है उसका ऊपर में हम बताएंगे आपको मैंने क्या लिया, और अगर फेल हो गया उसमें SL लग गया या कुछ हुआ तो उसका ऊपर मैं कमेंट लिखता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा लास्ट मंथ, चलो मैं पहले बात कर लेता हूँ कहाँ पे मैंने 1 नवंबर में बाई किया था बैंक निफ्टी ऑप्शन में, चलो हम बात करेंगे 1 तारीख को, नवंबर 1 को मैंने बाय किया था, राइट, नवंबर 1, ठीक है, नवंबर 1 ये है, तो यहाँ पे मैंने बाय किया था, ठीक है। तो कौन सा प्राइस में बाय किया था हम इधर देखेंगे, 25,300 में मैंने बाय किया था, 25,300 नवंबर 1 25,300 था यहाँ पे बाय किया था मैंने, ठीक है। मैं थोड़ा इसको ड्रो करके दिखाता हूँ कहाँ पे बाय किया था मैंने, एग्जैक्टली यहाँ पे, राइट, यहाँ पे मैंने क्या किया, तो इसमें मैं स्ट्रेटेजी क्या लिख के रखा हुआ हूँ, प्राइस एक्शन, राइट, ये है प्राइस एक्शन, स्ट्रेटेजी प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन क्या है आपको मुझे लगता है पता है, तो क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बनाया, ठीक है, हायर हाई हायर लो हायर लो, तो जब हायर लो बनाया 200 मूविंग एवरेज की ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे मार्केट लोअर लो बना के ऊपर गया, तो फर्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ यहाँ पे, तो बुलिश कैंडल जब ब्रेकआउट किया यहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री लिया, और SL मैंने यहाँ पे लिया, तो आप देख सकते हैं मैंने SL कहाँ पे डाला, SL मैंने देखा या यहाँ पे SL 25,100, तो आप देख सकते हैं 25,100 में लिया था मैंने, 25,000
1100 था, यहाँ पे मैंने एसएल लिया था जो लोअर पॉइंट था उसका नीचे, और बुक प्रॉफिट आप देख सकते हैं टारगेट 25800 मेरा यहाँ पे टारगेट था, ठीक है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट ट्रेड मुझे प्रॉफिट मिला है यहाँ पे, राइट। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, मैंने क्या किया, कहाँ पे किया था, 13 को नेक्स्ट बाय किया था, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्रॉस ओवर, ठीक है। तो 25700 13 को एंट्री किया था मैंने, 13 को एंट्री किया था, 13 को, ये 13 को किया था मैंने, कौन सा लेवल में किया था, 13 को किया था मैंने 25700 और क्रॉस ओवर 25700, राइट, 25700 एग्जैक्टली यहाँ पे बाय किया था मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्रॉस ओवर मतलब क्या है, तो मैंने जो वीडियो में बनाता रहता है ना, ये 20 मूविंग एवरेज, 22 मूविंग एवरेज मैंने लिया एक्सपोनेंशियल, ये वाला, ये जो दिखाई दे रहा है ये, और ये 5 मूविंग एवरेज। क्रॉस कहाँ पे किया आप देख सकते हैं, क्रॉस ये कैंडल ने किया, राइट, ये कैंडल ने क्रॉस किया ये कैंडल, तो उसका ऊपर में बाय किया था एग्जैक्टली कहाँ, 25700 यहाँ पे बाय किया था। और एस एल कहाँ लगाया था आप देख सकते हैं, नेक्स्ट वाला एस एल लगाया था मैंने 25460 आप देख सकते हैं 25460 ये इसका नीचे लगाया था, जो मूविंग एवरेज था इसका नीचे लगाया था, और यहाँ पे एंटी किया था, और रेशियो यहाँ पे मेरा था 400 पॉइंट का, यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हुआ पिछले दिन 400 पॉइंट, ठीक है। ये नेक्स्ट है, और थर्ड तो हम देखेंगे कब एंटी हुआ था, 26 को देखेंगे हम, 26 यहाँ 26 सेम क्रॉस ओवर मेथड, राइट, ये क्रॉस किया यहाँ पे एंटी किया था, और ये मेरा टारगेट था 2% रिस्क लिया था, ये हो गया मेरा ट्रेडिंग, इसमें हो गया आपका ये है। तो इनमें से जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और क्रॉस ओवर होता है तो क्या होता है उसका ऊपर में आपको थोड़ा आपको दिखाऊं। स्पेशली मेरा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है, तीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होता है, बाउंस बैक, प्राइस एक्शन एंड चार्ट पैटर्न। तो बाउंस बैक मतलब क्या होता है आप देख सकता है यहाँ पे, बाउंस बैक जो मेथड होता है, तो बाउंस बैक का देख सकता है मैं क्यों बाउंस बैक ट्रेडिंग किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ 200 या 300 मूविंग एवरेज लिया था मैंने, 300 में बाउंस बैक हुआ था, राइट, फर्स्ट बाउंस बैक, तो यहाँ से मैं एंट्री किया, सेकेंड बाउंस बैक यहाँ पे एंट्री किया था, वो हो गया मेरा बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो मैंने लिया क्रॉस ओवर, ठीक है, सॉरी ये बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो हम बात कर रहे हैं बाउंस बैक का, ये बाउंस बैक, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी था प्राइस एक्शन, जहाँ पे मैंने ट्रेडिंग किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लिख के रखा हुआ है प्राइस एक्शन में, ये है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या होता है, लोअर लो हायर हाई बनाता है, जैसे मार्केट लोअर लो हायर हाई, ठीक है, ये होता है प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन मेथड से ट्रेडिंग किया था जो मैंने दिखाया आपको। और थर्ड नेक्स्ट दोनों है क्रॉस ओवर, तो आप देख सकते हैं दोनों ही क्रॉस ओवर में मैंने एंट्री किया था, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, राइट, तो क्रॉस ओवर में मैंने एंट्री हुआ, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे एंट्री किया, तो यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ था, मैंने एंट्री क्यों नहीं किया, क्योंकि ये प्रीवियसली हायर पॉइंट था, इसलिए मैंने किया नहीं, इसमें मैं इसको छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे ट्राई किया था और यहाँ पे जो स्टॉक स्टिक भी था थोड़ा नीचे आ रहा था, प्राइस एक्शन थोड़ा ऊपर जाने का दिखा रहा है, तो मतलब जो प्राइस है उसका ऊपर जाने का दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक स्टिक नीचे आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया यहाँ पे, राइट। तो बाद में फिर से यहाँ पे मैंने क्रॉस ओवर में बाय किया, ओके, ये हो गया मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, प्राइस एक्शन और शार्ट पैटर्न। तो और एक मैं ट्रेडिंग करता हूँ जहाँ पे इसको बोलता है शार्ट पैटर्न, ठीक है, शार्ट पैटर्न में मैं आपको दिखाऊंगी। तो शार्ट पैटर्न में दिखाने के लिए मुझे आपका जाना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस, तो यहाँ पे देख सकता है Aliceblue में, तो Aliceblue में मैंने ये ब्लॉक डाला हुआ है, आप अगर Aliceblue ऑनलाइन में जाएंगे, जैसे Aliceblue ऑनलाइन, राइट, Aliceblue ऑनलाइन वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक जो होता है इसका मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लिख के रखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जाना है टेक्निकल एनालिसिस में,
क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का ऊपर लिखता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस एक्शन का मेथड लिखा, सॉरी चार्ट पैटर्न का, जैसे चार्ट पैटर्न का ट्राइंगल पैटर्न होता है, यहाँ पे जाके आप रीड कर सकते हैं। ट्राइंगल पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम, फ्लैग पैटर्न, कंटिन्यूस राउंड बॉटम पैटर्न, वेस्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तो कहाँ कहाँ एंट्री करना है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके रखा हुआ हूँ, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं आराम से। आयरलैंड रिवर्सल, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, कप एंड हैंडल, ट्राइंगल पैटर्न, इसका ऊपर मैंने बनाया, जो ये आप देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, सॉरी यहाँ पे जो लिखा था मैंने चार्ट पैटर्न, तो ये देख के आप चार्ट पैटर्न, ये तीन मेथड से ही मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकता है, जो है आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना है, कोई भी हो आपका एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको बनाना ही है, बिना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से आप ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इनमें से आप, ये तो दिसंबर नेक्स्ट आ गया मेरा है, ये नवंबर, नवंबर मंथ का था ये, अगले महीना के लिए, इस महीना अभी 3 तारीख है, आज फिर से मैं इसको दूसरा सीट बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने लिया मंथ नवंबर मंथ, टोटलर, तो टोटलर मतलब क्या है, ये टोटल टोटल, अगर मेरा पास सपोज मेरा पास 1 लाख है, सॉरी इसको थोड़ा ज्यादा हो गया, ये इसको हटा देता हूँ, नहीं ठीक है, तो 1 लाख, सपोज मेरा पास 1 लाख है, तो 1 लाख का टोटल आर, टोटल आर कितना है मेरा, 4, 6, मतलब मुझे यहाँ पे 6% मिला, राइट। तो यहाँ मेरा अर्न हुआ कितना, 6%, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल आर, टोटल आर मतलब ये टोटल 6 कितना आर लिया मैंने, राइट। नंबर ऑफ ट्रेड कितना ट्रेड किया था, यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड किया था, राइट, ये 3 ट्रेड किया था। एक्सपेक्टेंसी पर ट्रेड मतलब ये क्या होता है, मतलब टोटल आर और टोटल ट्रेड, अगर टोटल ट्रेड ने अगर टोटल आर को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा हमें, एक्सपेक्टेंसी पर ट्रेड में हमें कितना मिला, 2 आर करके मिला हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया विन रेट, तो विन रेट कितना, मुझे यहाँ पे कितना ट्रेड किया, 3 ट्रेड, और तीनों ट्रेड में मेरा सक्सेस था वहाँ पे, तो मुझे कितना मिल गया, 100% विन रेट है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है क्या, टोटल प्रॉफिट, तो यहाँ पे मुझे मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूरा 100% ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल आर, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 6 आर, राइट, टोटल प्रॉफिट 6 आर, और टोटल लॉस कितना हुआ, 0। तो इसलिए कुछ भी नहीं, यहाँ पे टोटल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा पास कितना होएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, तो यहाँ पे मुझे रहेगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 6, तो मुझे पूरा टोटली प्रॉफिट मिला, या पीछा टोटल अमाउंट में भी जा सकता है, ठीक है। अगर आपने 30,000 प्रॉफिट किया, उनमें से 10,000 गया, तो कितना रहेगा, 20,000, तो इसमें आएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा ट्रेडिंग सेटअप, क्योंकि ये क्यों मैं मेंटेन करके रखता हूँ, क्योंकि अगर आपका गलत डिसीजन लिया, तो गलत पोजीशन लिया था, इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे आराम से, तो ताकि नेक्स्ट टाइम आप ऐसा गलत मत कर सके, तो इसलिए मैंने ये सेटअप बना के रखा है। ये मैं पर्सनली खुद ट्रेडिंग करता हूँ यहाँ पे, ये स्ट्रेटेजी यूज करके। तो ये मेरा हो गया आपका इक्विटी मार्केट का। तो नेक्स्ट मैं, ये अभी ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गया, तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कमोडिटी में, क्योंकि मैं कमोडिटी में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, स्टॉक्स ऑप्शन में थोड़ा बहुत कम कर लेता हूँ, मंथली में 4.5 हार्डली, तो लास्ट महीना मैंने 3 ट्रेड ही किया, तो कमोडिटी में ज़्यादा कर लेता हूँ, उसमें 100 का आसपास चला जाता है, तो उसको भी दिखाएंगे मैं नेक्स्ट लाइफ में, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।